दिन गए, महीने गए, साल गए, चारों भाई बड़े हो गए। उचित शिक्षा पाने हेतु उन्हें मुनि विश्वामित्र के पास भेज दिया गया। और उधर लंकापति रावण के आदेश से मारीच और सुबाहु तबाही मचाने लगे। इस यज्ञ को भंग कर दूंगा, पृथ्वी पर कोई यज्ञ नहीं कर सकता। जाओ, इस यज्ञ को भंग कर दो। भाग रहा है, हमारे डर से भाग रहा है। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि ब्रह्मदेव। क्या समाचार है इंद्रदेव? शुभ समाचार नहीं है ब्रह्मदेव, रावण के निर्देश से समस्त राक्षस एकत्र होकर ऋषि मुनियों को कष्ट दे रहे हैं एवं तपस्वियों का तपस्या भंग कर रहे हैं। राक्षसगण? मारीच और सुबाहु के अलावा और भी अनेक राक्षस हैं, परंतु उसका संचालन कोई और कर रहा है। कोई और? ऐसा शक्तिमान और कौन है इंद्रदेव? असुर रावण ब्रह्मदेव। रावण? उधर राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंचे मिथिला हरधनुष दर्शन के लिए। मैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र हूं। हाँ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र? हाँ, मैं रामचंद्र हूँ और मेरे पास मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं, महाराज जनक। धन्य हुआ मुनि विश्वामित्र। महाराज जनक, आप उस धनुष को राम लक्ष्मण को दिखाइए। अवश्य अवश्य दिखाऊंगा ऋषिवर। वर्षों पहले महर्षि परशुराम इस धनुष को मेरे पास रख कर गए हैं। जानता हूँ महाराज, मैं सब जानता हूँ राजा जनक। परशुराम के न आने तक अगर किसी ने धनुष को तोड़ दिया तो सीता का विवाह आप उसी से करेंगे। ठीक है, परंतु आज तक कोई भी वीर राजा महाराजा किसी ने भी इस धनुष को नहीं उठा पाया। जानता हूँ महाराज। वे सब मिलकर हमारे इस राज्य पर आक्रमण कर दिए, परंतु देवताओं ने अपनी चतुरंग वाहिनी सेना देकर हमारी रक्षा की। ऋषिवर, मैं उन्हें धनुष दिखाता हूं, तब तक आप विश्राम कीजिए। अगले दिन राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ शिव धनुष देखने निकल पड़े। शिव का महान एवं विशाल धनुष। जनक पुत्री सीता वहां उपस्थित थी। अगर रामचंद्र ने धनुष उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ा दिया, तभी राम के गले में मेरी पुत्री सीता वरमाला डालेगी और उन्हीं के साथ सीता का विवाह होगा। रामचंद्र, आज्ञा दीजिए ऋषिवर। अनुमति दिया। रामचंद्र
मुनि विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष को गौर से देखा। राज दरबार में उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सीता व्यग्र होकर देख रही थी। रामचंद्र, तुम धनुष को उठा लो, उठा लो रामचंद्र। लंकराज, ये कैसी विपत्ति है? रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया। उपस्थित लोग अचंभित रह गए। जय श्री रामचंद्र की जय।